जब तक हम एक पार्टिसिपेंट ड्राइंग करते हैं कुछ देर तक सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले किसी का जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछते हैं। अच्छा, वैसे कल वाले सेशन से भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको सब क्लियर था क्या? अच्छा, कोई रिवाइज करवाना चाहेगा कि कल हमने क्या देखा था कल के सेशन में? कोई भी रिवाइज करवाना चाहे, कुछ भी जो भी आपको समझ आए। अच्छा हाँ, कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी स्टूडेंट नहीं है, हम सब एक दूसरे से लर्न करने हैं। आप कल भी हेजिटेट नहीं किया करें, कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी आपको तो अंडरस्टैंड आया होगा कल के लेक्चर से। रिवाइज नहीं करवाना चाहेगा कल का लेक्चर? अस्सलाम वालेकुम मैम, काइंडली इसको रिवाइज करवा दें, मेरी आज पहली क्लास है। अच्छा, हमने कल मैं बेसिक्स बता देती हूँ। हमने कौन से टॉपिक्स कल डिस्कस किए थे, और फेसबुक पे भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप चाहे तो वो देख सकती हैं। मैं आपको बेसिक बताऊँ, कल हमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स होते हैं। हमने जस्ट फर्स्ट कल एरे को देखा था और बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस का। और लीट कोड का हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जस्ट प्रॉब्लम की थी, अभी सॉल्यूशन ही देखा था क्योंकि टाइम सेशन का खत्म हो गया था। लेकिन आज हम उस सॉल्यूशन को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस टाइप की होती है। तो हम क्वेश्चन पे जाने से पहले आज उसको कवर करके उस पर जाएंगे। और अगर आपने डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने आई कोड गुरु के फेसबुक बुक पे जाना है, उसमें इसी सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और अगर आपको उसके देखने के बाद कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, तो आपने नेक्स्ट डे आके ना सेशन में ही क्वेश्चन करना है कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई। ओके, अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ पानी जी का? मैम, विजिबल है आपकी यस स्क्रीन। मैम, विजिबल है। ठीक है, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम और स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अच्छा, टाइम वो होता है कि अगर आपके पास जब इनपुट वेरी कर रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो एल्गोरिथम है, जो भी आपने अप्रोच यूज किया है, स्ट्रक्चर यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग वो कितना टाइम ले रहा है। और स्पेस में ये होता है कि आप कितनी मेमोरी लेके उस इनपुट
आपके पास जो है उसका सोल्यूशन दे रही हूँ। लेकिन आपने एक चीज, हम ये अज्यूम करते हैं कि हम लेट्स सपोज हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के पास भी सीपीयू है, जो भी है, उसके इसमें कोई रोल नहीं होता, हम उसको कंसिडर कर देते हैं उसका रोल जस्ट 0 है। तो जब भी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है तो आपने कभी भी उस टाइम को कंसिडर नहीं करना। लाइक अगर आपने ये, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका सिस्टम इस कोर को ज़्यादा तेज प्रोसेस कर रहा है तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, नहीं। आपने जो अप्रोच लगाई है, जो भी एल्गोरिथम लगाया है, उसमें जो फंडामेंटल मेन ऑपरेशन है वो कितना टाइम ले रहे हैं आपके एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए, बेसिकली वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 स्टूडेंट का डाटा है, उनके नेम है जो भी, आप कहीं भी तो उसे लिखोगे। जैसे आप प्रोटीन की एग्जाम्पल ले लो, अगर आप अपने कोई भी नेम लिखने, एक लिस्ट बनानी है, तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, एक पेज, कोई भी चीज़ जिसमें आप अपना डाटा लिख सकें। वो बेसिकली आपके पास स्पेस है, एक मेमोरी है आप सेव करने के लिए, डेटा वर्क के लिए। सेम होता है कि हम जब भी इनपुट से डील कर रहे होते हैं, उसके दरम्यान हमें कुछ मेमोरी की भी जरूरत पड़ती है, हम नई वैल्यू को भी हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, अपेंड करवाना चाह रहे हैं। वो बेसिकली आपके पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हम कितनी मेमोरी को यूटिलाइज करें। वो हमने डेटा स्ट्रक्चर कुछ देखे थे, जैसे एरे है, और अब एक अभी हमने जस्ट देखा है, हमने जस्ट नाम देखे थे, बाकी हम कमिंग क्लासेस में देखेंगे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे बात है कि जब भी आपने उसको प्रोसेस करना है तो आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अगर आप अपने उन नेम्स के अकॉर्डिंग कुछ अरेंज करना है, कुछ भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे आपने उनको सेंडिंग में लिखना है, कुछ और ऑपरेशन जैसे इंटीजर की वैल्यू है, उनकी लिस्ट है, आपने उनको प्लस माइनस करना है, तो आपके पास कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा। और उसके दरम्यान आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर हम ले लें, हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे चिल्ड्रन की अगर हम एग्जाम्पल ले, तो कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं कि वो फिंगर्स पे उनको काउंट कर लेंगे, कुछ जो होते हैं स्मॉल सी लाइंस ड्रा करते हैं और फिर सम निकालते हैं। कुछ अब जैसे हम हाई लेवल पे आते हैं तो हम कैलकुलेटर यूज करने लग जाते हैं। ये सारी ना एक डिफरेंट अप्रोचेज हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, यानी कि सम करने के लिए। अब हर अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हमने किस टाइम का ऑपरेशन यूज किया और हमें कितना टाइम लग रहा है। तो बेसिकली ये सिंपल वर्ड्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस ही होती है। अच्छा, जैसे हमने एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर की ARR के पास से, एक लिस्ट सबके लिए, इसमें कुछ वैल्यू है, तो इनको कुछ ना कुछ स्पेस, ये कुछ ना कुछ स्पेस ले रहे हैं। लेकिन जब एल्गोरिथम में हम ये एक फिक्स साइज एरे है, तो ये एक मींस इसकी हम टाइप्स देखेंगे, फिर मैं बताऊंगी आगे ये ऑफ एंड क्या होता है। ये बेसिक सा मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, एग्जाम्पल्स आपको आगे ज्यादा क्लियर समझ आएंगे। अच्छा, 3 टाइम्स की टाइम एंड स्पेस को एक ही, तीनों टाइम और स्पेस दोनों को ओ थीटा और ओमेगा तीनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक ओ जो होती है आपका वर्स्ट केस में आपकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी। जैसे आप, आपके पास लिस्ट ऑफ नेम है, जो आपने लिस्ट बनाई है, आपने किसी पर्सन का नेम देखना है, आप वन बाय वन सर्च कर रहे हो। बेस्ट केस ये है, वो ये है कि वो आपको फर्स्ट पे ही मिल गया, आपने जो लिस्ट बनाई हुई है, तो वो आपका हम उसे लोअर बाउंड कहते हैं या हम उसे बेस्ट केस परफॉर्मेंस कहते हैं, और हम उसे ओमेगा के सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर वो मिडल में जाके मिलता है, जैसे 10 नेम्स है, 4 पे 5 पे 6 पे, तो हम उसे कहेंगे कि वो एवरेज उसकी परफॉर्मेंस है, कि आपको मिड पे मिल रहा है, मिड से आगे पीछे भी हो सकता है स्लाइड से। ऐसे केस को हम थीटा से करते हैं। वर्स्ट केस ये होता है कि आपने पूरी लिस्ट देखी और आपको सबसे लास्ट पे लिखा है, तो आपको ओवरऑल कितना नेम्स देखने पड़े सब के सब लास्ट तक। तो ये हमारे पास बस केस परफॉर्मेंस होती है, जो अपर बाउंड लास्ट पे आपने कब तक जाना है अपनी इनपुट का, एक आपके पास अगर इनपुट आ रही है। तो बेसिकली हम अपने सिनेरियो में जब भी देखेंगे, हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है वो जिसे हम डिनोट करते हैं, हम बस केस देखने होता है कि हम हमारे पास फर्स्ट केस सिनेरियो में हमारी लास्ट तक, मतलब हमारी कोई भी इनपुट है जो हमने सोल्यूशन दिया है वो कब तक जाएगा। तो इसलिए हम इन सब केसेस में ओ ऑफ एन से डिनोट कर देते हैं। एन जो होती है इनपुट लेंथ होती है, डिपेंड वेरी कर रही होती है, अगर कॉन्स्टेंट हो तो कोई भी इंटीजर होगा। तो सेम अगर हमने एक सैंपल देखी थी, तो ये मैंने ओ ऑफ एन लिखी थी। ये जो ओ ऑफ होता है, ये वर्स्ट केस में हम परफॉर्मेंस देखने होते हैं। तो ओवरऑल हम जितने भी आगे क्वेश्चन करेंगे, हम सब में वर्स्ट केस परफॉर्मेंस देखेंगे। अच्छा, ये तो हमने देखा था कि कितने ले, इसको अभी फिलहाल जो होते हैं इस पे आते हैं। अच्छा, टाइम एंड स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। एक तो ये होती है, ऑफ एन होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जितनी एक नीचे ग्रीन है, अगर सबको क्लियर है ये हल्की सी, उसके बाद पैरेट है, फिर येलो है, फिर ये ऊपर हम देखें जो ग्रीन वाली है वो एक्सीलेंट है, जो नेक्स्ट है
पैरेट कलर की है वो गुड है, और जो ये कॉम्प्लेक्सिटी येलो वो फेयर है। अब ये जो लाइट कलर में है ये भी फेयर में कंसिडर बैड है, लेकिन हॉरिबल है, मतलब बहुत ही बैड है जो पिंक कलर में। अब हम देखते हैं बेटर क्यों है। ओवर वन जो होता है, जैसे हमने कल ओवर वन देखा था, आपने कोई नेम सर्च किया और आपको ना एक ऑपरेशन लगा, वो आपको पहली लिस्ट के पहले इंडेक्स पे ही आपको वो नेम मिल गया जो आप सर्च करना चाह रहे हो। तो हमारी बेस्ट है कि आपको पूरी एरे को ट्रैवर्स से नहीं करना पड़ा, तो आपको पहली लोकेशन में मिल गई। अच्छा, लोकअप एंड हम भी देखेंगे, वो हमें ज़्यादा बाइनरी सर्च में होता है, इसमें होता है। अभी हम इसको डिलर में देखेंगे भी, कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम में आप इसमें हाफ ऑफ में जा रहे होते। अगर आपके पास 10th की एरे है और आपने एक नंबर फाइंड करना है, वो अरेंज हुई भी है 0 से लेकर 10 तक, तो आपने अगर 6 फाइंड करना, तो आपको पता है कि वो अगर आपके पास असेंडिंग है तो आप पीछे वाली हाफ को कट कर सकते हो अगर आप मिड फाइंड कर लो। तो सेम ये कुछ इस तरह काम करती है, फिर आपको हाफ देखनी नहीं पड़ती, तो कुछ ऑपरेशन कम हो रहे होते हैं। तो हम ये जब बाइनरी सर्च हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। अच्छा, ये सबसे बेटर होती है, फर्स्ट में पहले ऑफ वन होती है, फिर लॉग ऑफ एन होती है, और उसके बाद ऑफ एन होती है। अच्छा, ये हाफ में चल रही होती है, हमेशा कम होती है एन से। इसके बाद लॉग ऑफ एन के बाद जो नेक्स्ट ज्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है, वो ओ ऑफ एन होती है। इसमें होता है ये एन जो होता है डिनोट कर रहा होता है बेसिकली आपकी ना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, इनपुट का साइज क्या है, तो उस साइज पे जितनी साइज है वो उसके साथ साथ आपकी इंक्रीज हो रही होगी। अब हम देखते हैं कि कैसे इंक्रीज होती है हमारी इनपुट के साथ। एक हमारे पास इनपुट होगा, ऑपरेशन होंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं और आपने हर एलिमेंट्स को ना प्रिंट करवाना है, अगर आप एक एक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया हुआ, हर एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करवाना, तो जब भी आप एक एक ऑपरेशन लगा रहे हो, हर पूरी एरे पर ट्रैवर्स करो बारी बारी, तो हर एक आइटरेशन को सॉल्व करने में आपको 1 सेकेंड लगे। अगर आपके पास एन का साइज 10 है, तो आपको ना 10 सेकेंड ही लगेंगे उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। तो इसलिए हम कहते हैं ये लीनियर होती है, जैसे जैसे आपकी जितनी एलिमेंट्स बढ़े होते हैं, उसी लिहाज से आपके ना ऑपरेशन अवरा टाई कम्प्लेक्सिटी भी हो रही होती है। ये जो लाइन है ना, ये लीनियर को डिनोट कर रही है। अगर आप एन और लॉग एन को मिलाओ तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है नेक्स्ट। इसमें हम दोनों यूज कर रहे होते हैं, ये बेसिकली इन दोनों का मर्ज होती है। जैसे आपने एक दो लूप लगाए हैं, पहले है एक एन का और फिर लॉग एन, तो ये डबल हो जाती है, लेकिन उससे ये उससे वर्स होती है एन के बाद, इससे भी वर्स होती है क्वाड्रेटिक एन स्केयर कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है। एन स्केयर जो होती है हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये इससे भी बुरी होती है कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जैसे हम पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशन देखे किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी अच्छी नहीं होती। लेकिन हम जब आप इनिशियल स्टेज पे कर रहे होते हैं, तो आप ये सोल्यूशन एन स्केयर में लेके आ सकते हैं, बाद में हम इसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, वो डिफरेंट उसका पैटर्न है। एक कुछ अप्रोच है जिससे हम ओ ऑफ एन में ले आ सकते हैं, उसके बाद फिर ये एक्सपोनेंशियल होती है, ये भी जैसे जैसे ऑपरेशन बड़े होते हैं तो ज्यादा इसका टाइम स्केयर में आपका टाइम डबल हो जाता है। जैसे आपके पास 10 एलिमेंट्स है ना, अगर आप एक एलिमेंट्स है तो आप उसको प्रिंट करवा रहे हो, और अगर उसका जो टाइम है वो 2 सेकेंड लग रहा है, तो एन टू एन एन इंटू एन जो हो जाता है वो बेसिकली एन स्केयर हो जाता है। तो इसमें ना डबल टाइम उसका लग रहा होता है आपके इनपुट साइज के अकॉर्डिंग, और जो आप ऑपरेशन यूज करे होते हैं, ये एक्सपोनेंशियल होता है, ये भी उससे भी ज्यादा होती है कॉम्प्लेक्सिटी। और उसके बाद हमारे पास ये फैक्टोरियल होती है। फैक्टोरियल बेसिकली पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, हम कुछ ये उससे भी ज्यादा होती है एक्सपोनेंशियल से। लेकिन आपने बेटर जो सोल्यूशन होता है, वो नॉर्मली हम जो सोल्यूशन देख रहे होते हैं ओ ऑफ एन में भी और ब्रूट फोर्स में भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ सोल्यूशन होते हैं जो ब्रूट फोर्स से, हम देखेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है, वो ऑप्टिमाइज होकर ओ ऑफ एन में आ जाते हैं। अच्छा, अब हम ना बारी बारी कोड के थ्रू एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, हम ना पहले देखते हैं कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अब आपके पास ना एक कोड है, और बार बार आपके पास लिस्ट आ रही है, उस इनपुट पे ना बार बार एक वैल्यूज आ रही हैं एक एरे में ना, आपने हमेशा उसका ना जस्ट पहला एलिमेंट आपने रिटर्न करवाना है, तो आपको जो नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रहे हैं वो जस्ट 1 है, आपने जस्ट 0 इंडेक्स दिया और वो वैल्यू एसेस कर लिया। तो ये हमारे पास ना कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जस्ट एक ऑपरेशन आपको लगाना पड़ रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, चाहे आपके इनपुट का साइज जितना मर्जी बड़ा हो जाए, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है यहाँ पे ब्लैक में लास्ट में लाइन देखिए, ये हमेशा कॉन्स्टेंट देंगे, चाहे आपकी एलिमेंट्स 100 आ जाए, चाहे 1000 आ जाए, चाहे
10,000 आ जाए, आपने जस्ट पहला एलिमेंट रिटर्न करवाना है, तो आपकी ना जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितनी मर्जी आपकी इनपुट बड़ी हो रही है, तो ये नीचे एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली इनपुट को डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो जितने मर्जी इनपुट बढ़ती जाएगी आपका जो टाइम है वो जस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे अगर हमने एक, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, जस्ट अगर आप पहला एलिमेंट जस्ट प्रिंट करवा रहे हो, तो चाहे 100,000 वैल्यू आपने तो पहले ही एलिमेंट्स देना है ना, रिटर्न करना है, तो वो आपका जस्ट जीरो से हो जाएगा, आपके बाकी इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा टाइम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद अच्छा, कांस्टेंट की डिफरेंट वर्जन होते हैं, ये जस्ट एक नहीं है। एक तो ये होता है कि आपने ना वो किया, आपने अगर कोई, वैसे एक हम एक नॉर्मल बात करते हैं लूप जैसे चल रहा है तो हम कह देते हैं ऑफ एंड, एक हालांकि केस नहीं होता, कुछ चीजें और भी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे हम अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनके इससे भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, वो हम बाद में देखेंगे। अगर आपने एक लूप लगा दिया और आपको वो लूप की ना पता है अपर लिमिट कि वो कहाँ तक चलेगा, जैसे हमें अब ये एक इंटीजर वैल्यू है, अगर हमें पता है ये जस्ट 11 तक चलेगा, तो इस केस में ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि हमें पता है ओ ऑफ ई 10 ये अपर बाउंड है, और सॉरी ये जो इसकी हाईएस्ट रेंज है वो जस्ट एक्सक्लूड होती है लास्ट वाला एलिमेंट 11, मीन्स ये 10 तक चलेगा, तो ये जस्ट 10 तक चलेगा, तो इसलिए हमारे पास ना हमें पता है ये हमें जो टोटल आइटरेशन चलनी है वो 10 है। अगर यहाँ पे कोई एन होता, हमें इनपुट नौ नहीं होती, तो उस केस में ना ये ऑफ एन में चली जाती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन जब भी आपको आइटरेशन नौ, आपको पता है वो लूप कितने दफा चल रहा है, 5, 10 दफा, ये 1000 भी हो सकता है, अगर पता है ये अपर, ये जो आपकी रेंज है लास्ट वाली, ये लूप 1 से स्टार्ट होकर 1000 तक चल रहा है, तो तब भी ये कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि ओ ऑफ 1000 जो होता है ना हम उसको एज अ कॉन्स्टेंट ही लेते हैं। इसकी वजह से आपने अब एक कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन जस्ट वन टाइम चेक होगी, जो भी ए बी की वैल्यू, इफ ए ग्रेटर देन बी प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो, तो ये भी जो है एक कंडीशन है, ये जस्ट वन टाइम से ले रहा है, तो ये भी हमारे पास ना इस केस में भी हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। अब हम साथ में स्पेस को भी देख लेते हैं मैम जी। मैम ये स्लाइड नंबर 10 में मेरा क्वेश्चन, ये मैं चीज ऐड करना चाह रहा था कि जैसे अब हमारे पास स्लाइड नंबर इसके अंदर अगर हम ये वाला इंडेक्स को असेस करें, लाइक लिस्ट के अंदर 0 से इंडेक्स लिखा हुआ है ना, अगर हम यहाँ पे लिख दें 4, तो तब भी हमारे टाइम कॉम्प्लेक्स की वो 1 ही होगी। जी, अगर आप स्पेसिफिक इंडेक्स दे रहे हैं ना, यस यस ये लास्ट इंडेक्स है, अगर आप मिडिल भी दे रहे हैं तो वो हमें पता है, एसएस कोई भी इंडेक्स देंगे तो वो आपके ओपन लेगी, वो पूरी एरे में जाके नहीं देखेगी, वो जस्ट स्पेसिफिक हाँ वो जगह डायरेक्ट चले पे। जाएगी, तो उसका भी कॉम्प्लेक्सिटी वो 1 ही रहे। ठीक जी है अच्छा, अगर हम आप नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि आपने ना स्पेस कॉम्प्लेक्स ये होती है कि आपने एक लिस्ट बनाई है, लेकिन आपने उसका साइज फिक्स कर दी है 5 तक, अब यहाँ पे यहाँ ये सिर्फ लिस्ट 5 वैल्यूज ले सकेगी, हमने कोड किया, हम उसको एक दफा रन करके देखेंगे जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, तो जब आपने साइज लिस्ट का फिक्स कर दिया ना, तो इट्स मीन कि वो कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन और कॉन्स्टेंट ओवर 1 हमने लिख दिया। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया जस्ट उसमें वैल्यू स्टोर करवाना है 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये भी एक कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, और जो वेरिएबल होते हैं वो वैसे भी जस्ट एक वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, वो कॉन्स्टेंट स्पेस ले रहे होते हैं मेमोरी जस्ट। अच्छा लीनियर क्या होती है, अब हमने लीनियर कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी और फिर कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी, अब हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, डिनोट करने दोनों में एक ही होते हैं, ओ ही से ही होते हैं। अच्छा लीनियर जो होती है कि आपने ना एक लूप चलाना है, वो एन टाइम चलाना है, ये मैंने यहाँ पे एन जस्ट 100 ले लिया, लेकिन ये आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि एन की वैल्यू आपको नोन नहीं है, आपको नहीं पता एन की वैल्यू क्या है, तो आपने जस्ट आपको लूप आइटरेट करना है, कोई वैल्यू आप प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये जो लूप है इनपुट के साइज पे डिपेंड कर रहा है, हमारा ऑपरेशन क्या है, 10 को प्रिंट करवा रहे हैं, अगर हम ऐड भी करवा रहे होते कुछ भी, तो ये एन की वैल्यू जो है वो हमें नोन नहीं है, तो इस केस में ये जितनी भी एन डिनोट कर रहा है आपके पास इनपुट की लेंथ कितनी है, तो जितनी इनपुट की लेंथ होगी ये उतनी टाइम चलेगा, तो हम इस केस में इसको क्या कहते हैं कि ये ओ ऑफ एन है, इसके अंदर और कोई ऑपरेशन, ये जस्ट प्रिंट ही हो रहा है, तो ये जस्ट ओ ऑफ 1 ले रहे हैं। उसके बाद अगर हमने एक लिस्ट डिक्लेयर, हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं सम, तो सम का जो फंक्शन होता है ना ये भी लीनियर में चलता है, क्योंकि इसमें पूरी एरे को 1 बाय 1, हमें तो लग रहा है जैसे हमने सम लिख दिया और हमारे पास प्रिंट होके आ गया,
लेकिन ये अगर नम में एन वैल्यूज है तो ये एन टाइम सम करेगा, तो हम इसलिए कहेंगे कि इसकी भी टाइम जो बिल्ट इन फंक्शन है सम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, जैसे आप मैक्स का करने दो, अगर आपने इंटायर लिस्ट में से मैक्स की वैल्यू फाइंड करने हैं तो वो वहां पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन हो जाती है, लेकिन आपके पास जस्ट दो वैल्यू से मैक्स फाइंड करने हैं तो वो जस्ट हमारे पास कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो ये चीजें आपने ना जहन में रखनी होती हैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, और इन चीजों को हम देखेंगे कोड में। अगर हम इसमें देखें लीनियर टाइम की, हमने तो देख लिया, अगर हम स्पेस में देखें तो आपने एक लिस्ट डिक्लेयर करवाया, आपने उसमें वैल्यू प्रिंट करा, लेकिन आपको नहीं पता आपके ना कोड किस तरह करेगा, आपके पास कितनी इनपुट वैल्यू आएंगी उसके अकॉर्डिंग आप अपेंड करवाएंगे। तो इस केस में भी हम क्या कहते हैं, जो पीछे ना हमने फिक्स डिफाइन की थी, जैसे हमें ना कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहा था यहाँ पे, ये हमें साइज पता था कि हम 5 इसमें सिर्फ नंबर आएंगे, लेकिन जहाँ पे हमने हमें नहीं पता हम वैल्यू आएंगे जैसे पहले करवाते जाएंगे और हमें फिक्स नहीं है एन वैल्यूज हो सकते हैं, तो इसमें इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो लीनियर होगी। अच्छा क्वाड्रेटिक जो स्केल में होती है उसमें ये होता है कि आपने एक लूप लगाया, वो एक्स इन रेंज चल रहा है। अच्छा मैं इसका कोड आपको दिखाऊंगी तो ये ज्यादा समझ आएगा, एक मिनट। आपने एक्स की वैल्यू लगाई वो 5 तक चलेगा, और अब दूसरा वाई बनाया वो पहली इटरेशन में जब आया, एक मिनट मुझे एनोटेट करना। अब यहाँ पे इसकी इटरेशन जो थी ना वो 1 थी, इनिशियली वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 थी। अब जब ये इधर आया ये 0 से 1 तक, ये एक लूप तो स्टार्ट हो गया, लेकिन ये जब जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होगा ना तो ये वापस उसके अगली इटरेशन में नहीं जाएगा। तो ये 0 के साथ अब कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा, 0 के साथ 0 का कॉम्बिनेशन होगा, 0 के साथ सारी वैल्यू जो हमारी रेंज कहाँ पे खत्म हो रही है 5 तक, 0 के साथ 1 होगा, फिर 0 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा 2, फिर 0 के साथ 3 बनेगा, फिर 0 के साथ 4, 4 रेंज एक लेस चलती होती है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये पर वैल्यू पे 5 टाइम चल रहा है, फिर 1 वैल्यू आएगी उसमें भी ये 5 टाइम प्रिंट करवाएगा, फिर 2, तो ये 5 × 5 कितनी होगी 25। तो ये हमारी किसमें चलेगी, स्केल में कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू एन, ये हमारे पास जहाँ तो हमने डिफाइन किया वैसे आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, एन हमें नहीं पता, और ये भी एक ही हमने एक लाइक एक एरे उस पर लूप चला रहे हैं और उसकी वैल्यू एन है, वही सेम एरे दूसरी भी वही एरे है, लेकिन हम उसमें कुछ पेयर्स फाइंड कर रहे हैं, तो एन इंटू एन क्या हो जाएगा, ये एन स्केयर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरे कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज होती है, इसे हम बेसिकली वैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच भी कहते हैं, जब भी हम इसे यूज करते हैं तो हम जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो रहे होते हैं उनको चेक कर रहे होते हैं। अगर हम एक जस्ट सिंपल, यहाँ तो हमने एक सिंपल लूप लगाया हुआ है जस्ट हम वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन हमने कौन का फंक्शन यूज किया, कौन क्या करेगा, किसी भी वैल्यू की अकरेंस बताएगा, जैसे 1, 2, 3, 4 के एरे है तो उसमें देखेगा कि 1 कितनी टाइम्स आया, अगर वो 2 टाइम्स आया, तो ये भी जो बेसिकली होता है ना कौन फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करते हैं, आपको ना पूरी एरे के अंदर जाके देखते हैं, तो इसकी भी ओ ऑफ एन है तो इसकी भी ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है, तो टोटल ये भी हमारे पास ओ ऑफ एन स्केयर हो जाएगी, जैसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अच्छा स्पेस भी ऐसे ही होता है, जैसे आप मैट्रिक्स बना रहे होते हैं ना, क्वाड्रेटिक स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो बेसिकली जब आप मैट्रिक्स बना रहे होते हैं ना तो आपको एन इंटू एन डायमेंशन में काम करना पड़ता है, तो वो बेसिकली उसमें वो स्पेस भी स्क्वेयर में चली जाती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये बेसिकली हमने इनका कोड किया, एक दफा देख लेते हैं फिर हम कल के क्वेश्चन पे चलेंगे। मैम, ये स्लाइड लास्ट क्वेश्चन था आप इसमें से ये। पूछिए। हाँ, एग्जांपल टू को इसमें क्या हो रहा है, ये फर्स्ट आइटरेशन तक चलेगी 0 से नेक्स्ट पे, नम्स डॉट काउंट 0, मतलब अमाउंट आपके रहेगा कि एक मिनट, आपकी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। अच्छा नहीं मैम, बस मैं ये कोड थोड़ा सा देखना था इसमें क्या हो रहा है, मैं कर लूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, बस ये कोड देखना था। अगर यहाँ पर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ये जो हमने कोड किया है हम इनको एक दफा रन करके देख लेते हैं, फिर हाँ जी हम आज के क्वेश्चन पे चलेंगे, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम, काइंडली ये बता दें, ये जो एग्जांपल टू है यहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ये कैसे एन स्क्वायर हुआ है? अच्छा एक तो ये लेंथ ऑफ नम है, अच्छा यहाँ पे तो मैंने एक डिफाइन किया है ना, वैसे आपके पास आपने ये अंडरस्टैंड करना है इसका साइज आपको नहीं पता कितना है, ठीक है, जब भी डिफाइन साइज वो कॉन्स्टेंट होता है, हम यहाँ पे ये ज़ूम करें, हमें नम एक हमारे पास एक एरे है जिसका हमें साइज नहीं पता, तो जितनी इनपुट होगी उतनी टाइम चलेगी ओ ऑफ एन,
अब जो सेकंड है, हम ये कह रहे हैं कि नम के अंदर जाके कौन सी, ये जो करंट वैल्यू है, पहला लूप चलेगा तो 1 ले जाएगा, उसकी वैल्यू को काउंट करो, उसके अकरेंस कितनी टाइम आई है। तो अब ये सारी एरे को चेक करेगा, 1 फिर 2 फिर 3, टोटल कितनी होगी 3, तो इसका काउंट प्रिंट करवा देगा। फिर जाएगा दोबारा ये वैल्यू लाएगा 2, फिर इसका काउंट चेक करेगा। तो ये बारी बारी ना, जब भी ये लूप लगता है, ये पूरी एरे को देखता है, जब भी हर वैल्यू के लिए, तो ये एन टाइम्स चलता है जितनी एरे की वैल्यू है। तो इसलिए ये दोनों मिलके जब एन इंटू एन होगा तो ओ ऑफ एन स्क्वायर बन जाएगा। जी मैम, शुक्रिया। अब हम वापस आते हैं। अच्छा, ये सारे नोट्स भी और जो हमने कोड भी किए कल वाले में अपडेट हुआ है, तो आपने उसी लिंक के साथ ना एसेस कर लेना। अच्छा, हम यहाँ से चलते हैं। ये हमने एक लिस्ट करवाई थी, और ये तब तक कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये देखिए असल मैं, में मैम क्वेश्चन पूछना वालेकुम सलाम, आप पूछ लो। था मैम। एक्चुअली मैंने लाइक 1 वीक से क्लासेस लेना शुरू की हैं, तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन ये थी कि मुझे इस तरह से लगता है क्लासेस लेके कि मुझे थोड़ा सा समझ आ गया, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया इस तरह से। तो लाइक एक अजीब सी कंफ्यूजन है। तो मुझे लाइक जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि आप प्रेजेंट करें तो आपको ज्यादा बेहतर लाइक इस पे ट्रिप होगी। तो प्रेजेंट मैं किस तरह से कर सकती हूँ, लाइक आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर सकते हैं? अच्छा, अगर आपने कोई क्वेश्चन, हम आगे लीड कोड के क्वेश्चन करेंगे, हमने एक शीट बनाएंगे, उसमें ना कोई भी जो क्वेश्चन पार्टिसिपेंट है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो हम एक डे रखेंगे, और उस दिन आके ना आपने कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना, बेशक वो इजी सा होगा, रिलेवेंट करके ना, फिर आपने ना, हम एक दिन सेशन रखा करेंगे वीक में, तो उसमें आपने ना आके प्रेजेंट करना है, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही आपने वो पूछनी है। हम एक शीट शेयर करेंगे, उसमें प्रेजेंटर के नेम होंगे, और हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे वीक का, थर्सडे या फ्राइडे में से कोई एक, और उस वो हमें पार्टिसिपेंट को चांस दिया करेंगे कि वो कोई भी, अभी हम 2-3 दिन लीड कोड कर लें, फिर आप कोई भी क्वेश्चन लेके आपने उसको अंडरस्टैंड करके आके प्रेजेंट करना है। ओके मैम, मतलब वो जो शीट है वो कब शेयर होगी, लाइक 2-3 दिन बाद आफ्टर लीड कोड की वो प्रैक्टिस? अभी तक उसमें आपने नेम मेंशन करना होगा, और इस वीक में अगर हम एरे का टॉपिक कर रहे हैं, तो अगर आप एरे से रिलेवेंट कर सकते हैं, तो कोई भी इसी प्रॉब्लम है लास्ट में आप एरे से करें, कोई भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक दिन रखेंगे, और वो शीट में अभी आपने नेम मेंशन करना होगा, थर्सडे या फ्राइडे को एक दिन रखेंगे वो। वो शीट में से लाइक उसका कोई लिंक वगैरह? नहीं, उसमें आपने सिर्फ अपना नेम लिखना होगा, हम वो गूगल डॉक्स का लिंक शेयर कर देंगे आज। लाइक वो क्लास के बाद शेयर होगा? जी, वो मैं कर दूंगी। उसमें आपने कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट करना हुआ, उसमें अपना नेम, अपनी डेट के आगे, और हम एक दिन रखा करेंगे, और उसमें आपने साथ में वो लिंक भी क्वेश्चन का दे देना है जो भी आप प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है। अच्छा, हमने ये एक लिस्ट बनाई थी, देखिए हमने 0 इंडेक्स दिया, तो ये इसने जस्ट फर्स्ट वाला एलिमेंट कर दिया। अगर जैसे किसी ने कहा था कोई रैंडम, मैं 3 दे देती हूँ, 3 ये लास्ट इंडेक्स है, तो इसमें भी 1 टाइम जस्ट लगा एक ऑपरेशन। अगर हमें हर दफा थर्ड वाला एलिमेंट रिटर्न करवाना है, तो ये भी ऑफ 1 है। इसके बाद ये मैंने एक लूप लगाया, जो भी जब भी मैंने चलाया, ये देखिए 1 से 10 तक चला, तो ये 10 टाइम इनपुट थी, 10 टाइम ये प्रिंट हुआ है, तो बेसिकली एन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एन हमें नोन है, जस्ट 10 है, तो हमें पता है ये 10 टाइम चलेगा, तो इस वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट है, ओ ऑफ 10 है, तो हम इसे कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने एक लूप लगाया, जैसे ए बी की वैल्यू साइन कर दी। अच्छा, ए बी के साइनिंग के जस्ट ओ ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती है, तो जस्ट कंडीशन चेक होगी एक दफा, तो इसकी ओ ऑफ 1 आ जाएगी, और ये जाके जस्ट प्रिंट करेगा, एल्स में भी वो जस्ट यहाँ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये आके करेगा, और कंडीशन जस्ट ओ ऑफ 1 लेती है चेक करने में। अब ये बार बार कंडीशन नहीं चल रही, हम ये नहीं कह सकते ये ओ ऑफ एन है, अगर एन टाइम लूप लगा होता तो तब वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, जब हम दूसरी लूप से देखते हैं लूप के दूसरे टाइम, तो ये जस्ट प्रिंट ही हो रहा है, तो इसमें भी हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट ओवर 1 है। हम इसको भी रन करके देख लेते हैं, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन थी, तो यस हो गया, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, जस्ट ओवर 1 ऑपरेशन लगा टाइम ए की, हमारा जो ऑपरेशन यहाँ पे था जस्ट कंडीशन चेक होना था। यहाँ पे हमने जैसे 5 साइन किया हुआ है,
कॉन्स्टेंट स्पेस है, हमने कहा हमारी लिस्ट के अंदर फाइव वैल्यू आ सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा जितनी ये लिस्ट तब तक की लूप चले और रेंज में एक एक जो आई की वैल्यू आ रही है उसमें प्लस वन करके ना इसमें ऐड करता जाए। लिस्ट ऑफ आई का मतलब है जब आप नन असाइन करवाते हो ना वो लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं जाता। अगर हम यहाँ से आगे देखें ना लिस्ट, तो ये हमने जस्ट अनन साइन कर दिया, पांच वैल्यू की हमने एक एरे बनाई, लेकिन अब हम इसमें वैल्यू साइन करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि आई जो जीरो इंडेक्स है ना पहले वाला उसमें आई प्लस वन करके मैं वैल्यू वन से स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ, इसलिए प्लस वन करवा रही हूँ। जीरो इंडेक्स में क्या वैल्यू, नन की जगह क्या स्टोर होगी, आई इनिशियल में जीरो था तो जीरो प्लस वन करके क्या कर दिया वन। हम इसका ड्राई रन भी देख लेते हैं। जैसे अब ये लिस्ट बनी हुई है, हमने कहा जीरो इंडेक्स पे लिस्ट ऑफ जीरो पे नन पड़ा हुआ है, इसकी जगह आई की लूप इनिशियली चलना स्टार्ट हुआ है और आई की वैल्यू हम देखते हैं क्या है, जीरो से रेंज स्टार्ट होती है। और लेंथ ऑफ जो लिस्ट है हमारे पास इसका साइज फाइव है, जीरो से चलेगा और फोर तक, क्योंकि लास्ट वाला एक एलिमेंट एक्सक्लूड होता है रेंज में। जीरो पहले आया और पहली दफा उसने क्या किया, जीरो प्लस वन किया तो वन हो गया। तो वन वाली वैल्यू लिस्ट ऑफ आई की वैल्यू जीरो थी, आई की वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं ये जीरो है आई की वैल्यू। इसने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे ये जीरो इंडेक्स है, इस पे क्या कर दिया आई प्लस वन, आई की वैल्यू जीरो थी प्लस वन किया वन स्टोर कर दिया। नेक्स्ट किया दूसरी दफा लूप चला, आई की वैल्यू वन होगी, वन प्लस किया तो टू आ गया। तीसरी दफा लूप चला, ठीक है वैल्यू हमारे पास टू है, टू प्लस वन करेगा तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, मैं एक प्लस कर, आप ये सिंपल करवा सकते हैं, फिर जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री फोर्थ आएगा, सेम ही चलता जाएगा, जस्ट प्रिंट करवा देगा। तो ये हमारी जो लूप है ये एंड टाइम चल रहा है। और ये यहाँ पे ना हमने साइज फिक्स कर दिया, हमें पता है जो लिस्ट का साइज है ना वो जस्ट फाइव वैल्यू से ज्यादा ये स्टोर नहीं कर सकता। अगर आपको जब पता है कि वो फाइव से ज्यादा नहीं स्टोर कर सकता वो साइज फिक्स है, अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू इस पे, अगर मैं एक लूप को ना इसकी लेंथ से एक दफा ज्यादा चलाती हूँ तो वो कहते इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आ जाती है, मतलब वो लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जस्ट फाइव वैल्यू ये ले सकते, सिक्स वैल्यू ये नहीं ले सकता इसके अंदर, क्योंकि हमने साइज फिक्स किया हुआ है। और ये जो साइज फिक्स होता है हम इसको स्टैटिक टाइप एरे कहते हैं, जो डायनामिक होती है उसका साइज हम फिक्स नहीं करते, हम अपनी जितनी मर्जी होती है उतनी वैल्यू करवा सकते हैं। तो ये साइज फिक्स है तो इस वजह से भी जस्ट फाइव वैल्यू लेगा, और ये हमें पता है कॉन्स्टेंट स्पेस इसीलिए ले रहा है, हमें पता है ये जस्ट फाइव वैल्यू से ज्यादा नहीं लेगा। अगर ये हमें साइज नहीं पता होता, मतलब डायनेमिक होता, हम एन वैल्यूज इसमें इस लिस्ट के अंदर ये डेटा स्ट्रक्चर हम कोई भी एन वैल्यूज इसके अंदर अपेंड करवा सकते हैं, तो हमारे पास उस केस में जो मेमोरी को ले रही होती है वो एन वैल्यूज जितनी भी ले रही होती है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास वो एन हो जाता है। तो हम इसको खत्म कर देते हैं तो एरर रिजोल्व हो जाएगा। और सेम ये हमने देखा था, एक सिंपल है, अगर आप जेड को प्रिंट करवाओ तो जस्ट उनका प्रोडक्ट प्रिंट होगा तो जस्ट जेड ए की वैल्यूएबल है वो भी कॉन्स्टेंट होता है। अच्छा एन इक्वल होना, हाँ वैसे मैंने एन हंड्रेड सन किया जस्ट शो करवाने के लिए, आपने ये ज़ूम करना एन की वैल्यू आपके पास नो नहीं है, एन रेंज और लेंथ ऑफ एन तक चलेगा, इन हैज नो लेंथ, एक मिनट, अच्छा एन की लेंथ नहीं है, लेंथ ऑफ एन तक, एन जो हमारे पास है डिफॉल्ट हंड्रेड है तो हमें इससे लेंथ नहीं दे, लेंथ का फंक्शन हम एरे की लिस्ट ऑफ वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए हमारे पास हमने एन हंड्रेड दिया था तो इसने हंड्रेड टाइम प्रिंट करवा दिया, 99, एक लास्ट वाला एलिमेंट एक्सक्लूड होता है। हमने सम का फंक्शन यूज किया, यहाँ तो मैं प्रिंट सम करवा दिया, ना कि ये पूरी एरे में इन सब वैल्यू का सम करवा के 36 प्रिंट करवा दिया। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है पूरी वैल्यू को वन वन प्लस टू कर रहा है, फिर टू प्लस थ्री, थ्री प्लस फोर, पूरी वैल्यू का बारी बारी सम कर रहा है, जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं, तो ये सब वैल्यू पे जाएगा वन बाय वन, तो ओ ऑफ एन है, जितनी एन वैल्यूज होंगी हमारे एरे के अंदर उतना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, उसे हम लीनियर कहते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है, ये हम एक लिस्ट बनाते हो हमें नहीं पता कितनी वैल्यू, हम एन वैल्यूज जितना भी हमारा प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग आती रहेंगी, तो हम इसे कहेंगे कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है। क्वाड्रेटिक में ये था, अगर हम देखें ना ये मैंने पॉसिबल इसकी बात की थी, यहाँ देखिए अब जीरो पहले लूप में क्या था, वैल्यू एक्स की जीरो थी, अब यहाँ से ये लूप निकल के हम इसे एनोटेट करते हैं, इनिशियली ये वैल्यू जीरो थी और दोबारा फिर ये अंदर आ गया इससे जीरो, अब अगली रेंज है ना रेंज में फाइव तक का क्या मतलब, ये जीरो से स्टार्ट करेगा और लास्ट इंडेक्स फोर तक लूप चलाएगा, तो टोटल ये फाइव टाइम बन जाएगा,
अब ये अट्रिशन एक दफा लूप चला, आप अंदर आए, जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होगा ये बाय नहीं जाएगा। 0 1 2 3 4 पांच वैल्यू तक चला, फिर ये जब रेंज की कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे अब एक वैल्यू ये बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कर रहा होता है, तो वैल्यू जब 5 ओम की होगी, कंडीशन रॉन्ग हुई होगी, तो ये लूप से बाय चला। फिर इस वाले एरे के अंदर 0 के बाद क्या उठाया, 1, 1 के साथ पूरा ये 5 टाइम फिर चला, फिर 2 के साथ 5 टाइम, फिर 3 के साथ नीचे ऑनवर्ड हम देख लेते हैं, और ये फिर 4 के 5 टाइम, ये टोटल बन गया 5 इंटू 5। तो मींस हमने आर पॉसिबल वैल्यू चेक की, तो एन इंटू एन क्या हो गया, स्केल हो गया। 5 इंटू 5 क्या होता है, 25। ये 25 टाइम हमने आइटरेशन प्रिंट करवाई है। तो बेसिकली हम ये करते हैं, जो हमारी एरे के अंदर ना जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, हम उसको जब हमें ऐसे सिचुएशन आ जाती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच चेक करते हैं, हर पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनाता है उस सब पे चेक करी होती है। इस वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्वाड्रेटिक होती है, जैसे हम कहते हैं एन स्क्वायर। मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पे। मैम क्वेश्चन यहाँ पे आपने रेंज को मतलब कांस्टेंट रेंज रख दिया 5। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने जो रेंज है उसको तो आपने कांस्टेंट कर दिया 5, ये 5 तक ही चलेगा, इससे आगे नहीं चलेगा। तो ये भी क्या क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही होगी? ये मैंने लिखा तो है जस्ट समझाने के लिए कि हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी ना, जब हम बी कोड के क्वेश्चन करेंगे तो वो अननोन होगी। आपने ये जूम करना है, एन देते हैं यहाँ पे 5, और हमें ये जूम करना है, जो एन है वो हमारे पास नोन नहीं है, ठीक है। ये जो हैश होता है ना, ये कमेंट करने के लिए यूज होता है, ये कमेंट रन के टाइम कंसिडर नहीं करते, हम यहाँ पे एन लिखते हैं। यहाँ तो मैंने एन डिफाइन कर दिया, आपने ये कंसिडर करना है, एन की वैल्यू हमारे पास नोन नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। यस मैम अब समझ आ गया। इसे समझाने के लिए क्या, मैम एक अगर और हाँ जब मैं क्वेश्चन एन करी हूँ, तो इसका मतलब है एन की वैल्यू हमने जस्ट अज्यूम की भी है, लेकिन वो रियल में हमें पता नहीं है। जी, ठीक। अच्छा, अब हम एक और देख लेते हैं, हमने कौन का देखा था। अब ये देखिए, हाँ अब जैसे इसमें मैम प्रिंट होंगे, आप क्वेश्चन देखिए जी। जी जी मैम। अच्छा ये बताइए कि जो कोड रन कर रहे हैं तो कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं या फिर डेट कोई साइट यूज कर रहे हैं, ये काइंडली बताइएगा। अब कोलैब है, गूगल कोलैब, आप गूगल पे सर्च करो, आपने अगर ईमेल किया तो जस्ट फोरन आ जाता है, आप इसे रन कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी रिसन कर लेना गूगल ड्राइव से, अगर आपको कोई भी एग्जांपल आपने करनी है, नोटबुक आपके पहले से पड़ी है, अगर आप न्यू बनाना चाहते हो तो न्यू बना लेना, न्यू नोटबुक ये क्लिक कर लें, ये आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जाके पुनः कर लेना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसे हम लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके बाद, जैसे आपने कोई भी कोड लिखना और रन करना है। कोड के लिए कोड का ब्लॉक यूज करना, और अगर आपने कोई टेक्स्ट हेडिंग वगैरह देनी है तो टेक्स्ट का यूज करना। अब हम ये देख रहे थे, देखिए पहले उसने किस वैल्यू का देखा, जो रेंज से 0 से चेक स्टार्ट हो रही थी, 0 एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, उसका काउंट क्या प्रिंट करवाया, 0। फिर उसने 1 देखा, 1 कितनी टाइम आया, 1 2 और 3 टाइम आया, उसका काउंट उसने क्या प्रिंट करवा दिया, 3। फिर ये पूरी एरे के अंदर जाकर चेक करा, फिर नेक्स्ट उसने क्या करना है, दोबारा से 1 के बाद उसने 3 टाइम आया, 2 को देखा, 1 2 और 3, 2 भी ना जो था वो 3 टाइम उसका काउंट था प्रिंट करवा दिया। हम अगर थोड़ी सी आसानी के लिए ऐसे कर लेते हैं, हमारा ये वैल्यू हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे ना आई की वैल्यू दे देते हैं और उसका काउंट दे देते हैं, आई और साथ में उसका काउंट आ जाएगा आपके पास। एक मिनट, तो ये एक्स प्रीवियस वाला था, हमारे पास आई नहीं है, एक्स है। पहले 0 का काउंट 0 टाइम्स आया, 1 का काउंट 3 टाइम आया, फिर सेकंड उसने रेंज ना +1 करके चल रही होती है सीक्वेंस है, रेंज में जब एक्स की वैल्यू इनिशियली 0 थी, फिर +1 हुआ, नेक्स्ट हाइट्रेशन में उसकी 1 होगी, उसका काउंट 3 टाइम्स आया था, फिर 2 के टाइम ना दोबारा वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, फिर 3 देखा वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 1 2 1
स्टूडेंट है, फोर्थ अकाउंट की रेंज इसके नम तक चली है, टोटल कितनी वैल्यू है, 3, 3, 6, 7, 8 है, तो 0 से लेकर 7 तक चलेगी, और 4 और 5 हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही एरे में, उन सब का अकाउंट 0 0 आ गया 6 और 7। ये पूरी एरे में ना काउंट करने के लिए चेक कर रहा है, नम के अंदर जाके काउंट किसको कर रहा है, जो करंट वैल्यू है, इसलिए हम कहते हैं एन टाइम चलता है, एन इंटू एन, ये मिस्टेक है, ये होगी एन स्केल, ये भी एन स्केल होगी। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, हम आज लीट कोड की तरफ मूव करते हैं, जो हमने कल क्वेश्चन छोड़ा था। अच्छा, अब हम आज लीट कोड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लीड कोड की स्क्रीन विजिबल है? ठीक जी मैम विजिबल। है, हम क्वेश्चन हमने कल देखा था, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर होंगे, लिस्ट ऑफ मींस वैल्यूज होंगी, और टारगेट क्या होगा, हम ये टारगेट हमारे पास गिवन होगा, यहाँ पे 9 है, हमने दो नंबर्स का सम करना है इस तरह लिस्ट के अंदर से कि उसका जो आंसर आना चाहिए सम, वो इस टारगेट के इक्वल आना चाहिए, और अगर जिन दो वैल्यू पर सम इस टारगेट के इक्वल आएगा, हमने उसका इंडेक्स देखा, इंडेक्स हमने देखा था कि कोई भी वैल्यू के एक समय से आप एक आईडी होती है, जैसे फर्स्ट 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, जिन दो वैल्यू का सम टारगेट इक्वल आ रहा है, हमने उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। अच्छा, हमने ये अज्यूम करना है कि सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, मीन्स कोई ना कोई ऐसी दो वैल्यू होंगी जो टारगेट इक्वल आ रही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एग्जिस्ट ही ना हो, बट हमने अपने जैसे अब हमारे पास टारगेट 4 आ गया ना, तो ऐसा नहीं हो सकता 2 प्लस 2 हम अपने एलिमेंट के साथ इसको प्लस कर दें, ये काम हमने नहीं करना। हम इसको अगर देखें, जैसे अब 2 से 1 लूप चलेगा ब्रूट फोर्स, अब 1 लूप चला, इसने 2 को 7 के साथ प्लस किया, 2 प्लस 7 हमें टारगेट मिल गया, तो यहाँ तक तो हमें रिटर्न हो जाएगा, लेकिन लेट्स सपोज ये 7 यहाँ पे बढ़ा हुआ, यहाँ पे 4 है, 2 प्लस 4 हमारे पास नहीं सम आ रहा, फिर 2 को 11, 2 प्लस 4 क्या आ रहा है, 6, 9 नहीं आ रहा, फिर 2 प्लस 11 13 आ रहा है, टारगेट के इक्वल नहीं है, 2 प्लस 7 अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये 9 के इक्वल है, तो 2 का इंडेक्स क्या है, 0, इसका 1, इसका 2, और इसका 3, तो 0 3 रिटर्न हो जाएगी, यहाँ पे ये 7 यहाँ पे पड़ा है, तो 0 1 रिटर्न होगा। हम इसी को देखें, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, अब हमने इन दो को एक लूप हमने 3 प्लस 2 के साथ प्लस किया, 3 को 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, 5, टारगेट इक्वल नहीं था, फिर 3 को हमने 4 के साथ प्लस किया, ये भी टारगेट इक्वल नहीं था, ये 7 था, फिर हमने 2 के साथ 4 को किया, हमने सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक कर लिया, तो 2 प्लस 4 6 आ गया, तो ये 1 और 2 इसका इंडेक्स रिटर्न हो गया। लास्ट में अगर हम देखें तो 3 और 3 प्लस 6 था, 2 ही वैल्यू थी, 0 और 1 इंडेक्स रिटर्न हो गया। अच्छा, यहाँ तक अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, हम इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है, ये इस पे अगर हम आते हैं ना, तो जब हम 0 से स्टार्ट करते थे, 0 के साथ 0 आ गया, 0 के साथ 1, लेकिन जब हम 1 पे आए थे ना, तो हम बैकवर्ड एलिमेंट को दोबारा देख रहे थे, 0 1, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या हो गए थे, रिपीट हो गए थे, 0 1 और 1 0, हमने ये कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं करनी। देखो, अगर ये कॉम्बिनेशन अगर सेम है तो कोई फायदा नहीं है, चाहे हम इसे 2 दफा एक्सिक्यूट करें, इसके लिए हम एक अप्रोच यूज करेंगे। हमने ना इनिशियली हमने इंडेक्स रिटर्न करने है, तो हमने ना एक लूप लगाना है जो पूरी इंटायर पे आइटरेट होगा, हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे, और उसमें हम ये देखेंगे हमने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उन सबको हमने चेक करना है, एक तो हमने बैकवर्ड वाले को नहीं चेक करना, क्योंकि उससे ना हमारी वैल्यू क्या हो रही होती है, रिपीट। अब हमें एक लूप लगाना है, ये नम्स हमारे पास लीड कोड की जो वैल्यू है, ये नम्स में वो आ रही होगी, मैंने एक लूप लगाना है आई, और किसकी रेंज तक चलेगा, वो लेंथ ऑफ एन नम्स तक चलेगा, और ये लेंथ ऑफ जितनी इनपुट होगी उतना हमारे जितनी उसकी लेंथ होगी इनपुट की, उतने तक ये हमारे पास क्या चलेगा, ये लूप चलेगा, और हमने उसको क्या दे दिया, लेंथ ऑफ नम्स डिफाइन कर दिया। अब हमने दूसरा लूप लगाना है, ये हम ड्राई रन करते हैं, देखते हैं दूसरा क्या, उसको ना हमने जैसे हमने कहा था ना पीछे वाले कॉम्बिनेशन ये देखें रिपीट हो रहे थे, अगर हमने 1 से स्टार्ट किया, अगर हम इसी लूप को जहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, अब सेकेंड टाइम 1 से हुआ था, क्यों ना मैं इसको 1 प्लस करके 2 से स्टार्ट कर लूँ, 1 1 भी तो रिपीट ही होगा ना,
हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हम ब्रैकेट पर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं लेते। इससे क्या होता है कि आपके ना पेयर्स जो होते हैं वो रिपीट होने लग जाते हैं। अगर हम इसका ड्राई रन करें तो हम देखते हैं कि ये कैसे रिपीट नहीं होंगे। यहाँ तक हम ये दो लूप्स लगे, अब हमने दो लूप चलाने हैं। पहला लूप इंटायर पे इटरेट करेगा, जीरो से स्टार्ट होगा, और दूसरा लूप उससे एक नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा। 2 + 7, पहला लूप आई पे आएगा जैसे 2 वैल्यू पे, और नेक्स्ट लूप उससे नेक्स्ट पे स्टार्ट होगा। इस 2 के साथ ये सारे कॉम्बिनेशन चेक करेगा, 2 के साथ 7, क्या ये दोनों 9 दे रहे हैं, तो क्या करेगा। अगर इफ नम्स ऑफ आई मीन्स आई का इंडेक्स क्या चल रहा है, 0, नम्स ऑफ 0 का मतलब होता है 0 इंडेक्स पे वैल्यू। नम्स ऑफ आई की अगर हम वैल्यू प्लस करें प्लस नम्स ऑफ जे, अगर ये दोनों इक्वल इक्वल टू किसके आ रहे हैं, टारगेट वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है और ये इंटीजर, ये अगर टारगेट के इक्वल आ रहे हैं तो हमने इसको क्या करना है, रिटर्न कर देना आई जे हमारे इंडेक्स है, और नम्स ऑफ आई का मतलब वहां पे जो वैल्यू बढ़ गई, तो हमने आई जे को क्या कर देना है, इंडेक्स को रिटर्न कर देना। ये सेट हो गया सब केसेस के लिए। अच्छा, हमने ना इसका ड्राई रन देख लेते हैं, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन बात पूछना। अब हमने ना इसका ड्राई रन करना है। सबसे पहले आई का लूप कहाँ से चला, हम ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली भी ले लेते हैं अगर मैम टाइम बचा सेकंड वाली। इसमें तो फर्स्ट पे ही रिटर्न हो जाएगा, कोड को रिपीट कीजिएगा प्लीज एक लेकिन दफा, सॉरी कोड को मैम क्या कहा सर आपने, कोड को रिपीट कीजिएगा। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। 4 लाइन से, लाइन नंबर 4 से कोड को रिपीट कीजिएगा। लाइन नंबर 4 से, ओके। ये वाली लाइन से ये हमने एक लूप लगाना है और एक हमने इनर लूप लगाना है। अब हमने पहली वैल्यू को, पहला लूप 1 बाय 1 चेक करेगा, जैसे 2 पे आ रहे हैं तो इसके साथ रेस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन चेक करेगा कि इनमें से कोई ऐसा पेयर है, पेयर मीन्स 2 वैल्यू, 2 के साथ 7 को भी चेक करेगा, 2 के साथ 11 को भी, 2 के साथ 15 को। अगर वो दोनों का सम जो आ रहा है ना वो टारगेट इक्वल है तो रिटर्न करवा देगा उनका इंडेक्स आई और जे। ये हम ड्राई रन करते हैं तो आपको सही क्लियर हो जाएगा। अब हम ड्राई रन कर लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लूप चल रहा है लेंथ ऑफ नम्स तक चलेगा, लेंथ ऑफ नम्स क्या है, 4 है, और एक हमेशा काम चलता है, 4 - 1 मीन्स 3 टाइम लूप चलेगा। इनिशियली आई की वैल्यू कहाँ से, 0 से स्टार्ट होती है, आई की वैल्यू 0 है। जे का लूप कहाँ से चलेगा, i+1, कॉमा से पहले हमने स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है i+1। i+1 की वैल्यू क्या है, आई का मतलब 0 इंडेक्स, i+1 0+1 1 के इंडेक्स के, यहाँ पे हमारा जे है और यहाँ पे हमारा आई है, आई जे, आई की वैल्यू यहाँ पे। अब ये यहाँ तक चलेगा और लेंथ ऑफ नम्स हमारे पास 3 है, 4 - 3 हमने ऊपर देखा था। आपकी जे की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं। आई की वैल्यू इनिशियली हमारे पास 0 है और जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से, i+1, i+1 यहाँ पे 1 है। अब हमें ये देखना है क्या नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ 0 की जो वैल्यू है क्या वो, हम इसको ना 1 मिनट हम इसको क्लियर कर देते हैं, हमने ऊपर लिखा हुआ। हमें ये देखना है क्या ये नम्स ऑफ 0, नम्स एरे ये वाली है, और 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और प्लस नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे हमारे पास क्या है, ये आई है, उस पे वैल्यू क्या है, 7। तो 2 + 7 = टारगेट के है, 2 + 7 = 9, इसका सम 9 आएगा और टारगेट की वैल्यू क्या है, 9, 9 = 9 आ गया, तो रिटर्न क्या कर देगा, आई जे, आई क्या था 0 और जे क्या था 1, यहाँ पे रिटर्न हो गया। लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं, हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें वो फर्स्ट में रिटर्न ही होगा, सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करेगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे इसको रन करते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट में ट्रू हो गया था। अब यहाँ पे हम इसी ड्राई रन इसका करते हैं, हमारी आई की जो वैल्यू है वो इनिशियली 0 हुआ और ये आपको पता है 3 तक मिल जाएगा, टोटल लेंथ 1 2 3 और 3 - 1, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होने है तो 0 1 2 3 वैल्यू खुद ही बढ़ जाएगी 2 तक, 0 से 2, 0 1 2 3, आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी और जे की वैल्यू 0 + 1, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी।
आई की वैल्यू जीरो है तो हमने ये देखा है नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई की वैल्यू जीरो, नम्स ऑफ जीरो के वैल्यू जो है वो क्या है, नम्स ऑफ आई की वैल्यू 3 है, और नम्स ऑफ जे, जे की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो नम्स ऑफ 1 पे जो वैल्यू है ये आई है इस टाइम हमारा, ये जे है, ठीक है। अब आई का लूप चला और अब दोबारा इन लूप पे आ गए, इसने जे की वैल्यू क्या उठाई, जे की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है इस टाइम, हमारे पास 0, आई प्लस 1, आई की वैल्यू 0 थी और जे की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस 1 1 होगी। अब ये जे की वैल्यू 1 हो गई है, अब क्या करेगा, क्या नम्स ऑफ आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, नम्स ऑफ आई मीन्स नम्स ऑफ 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 3 है, प्लस नम्स ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या है, जो जे की है वैल्यू नम्स ऑफ जे, जे हमारे पास क्या है 1, उसकी वहां पे क्या वैल्यू पड़ी है 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 5, क्या ये टारगेट इक्वल है, टारगेट हमारा 6 था और ये 5 आ गया, नहीं ये टारगेट इक्वल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अंदर जाके रिटर्न नहीं करेगा। अब हम वापस क्या करेंगे, अब हमें तक इस लूप पे नहीं जाएगा जब तक इस पूरा लूप एग्जीक्यूट ना हो जाए। अब जे की वैल्यू यहाँ से खत्म हो गई, जे जो है तो 2 से खत्म हो गए, कहाँ पे 8 प्लस 1 हो जाएगा, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जे की वैल्यू 1 थी सॉरी, अब यहाँ पे जे, जे यहाँ पे आ जाएगा और इसकी 1 की जगह वैल्यू प्लस 1 हो गए 2 आ जाएगा। अब जे की वैल्यू 2 हो गई है, अब क्या करेगा, नम्स ऑफ आई हमारा अभी तक 0 ही है, अभी तक की दोबारा लूप नहीं है, अभी ये पूरी आइटरेशन इसकी कंप्लीट करेगा, नम्स ऑफ 0 हमारे अभी तक हमारे पास 3 है और नम्स ऑफ जे हमारे पास 2 हो गया, तो 3 प्लस क्या करेगा, नम्स ऑफ जे हमारे पास 2 है और नम्स ऑफ 2 पे क्या वैल्यू पड़ी है 4, 3 प्लस 4 इक्वल टू टारगेट है, टारगेट 6 है, नहीं ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये इक्वल इक्वल टू नहीं, ये वापस जाएगा, फिर जे की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेगा और +3 कर देगा, लेकिन जो 3 होगा वो लेंथ ऑफ नम्स 2 है, इससे बड़ा हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दोबारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसकी सारी इटरेशन पूरी होगी वापस अपने आउटर, ये इनर लूप होता है ये आउटर पे आ जाएगा, अब आउटर पे ये जे की सारी कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको खत्म कर देना, आई अभी तक हमारे पास पहली इटरेशन पे था, जे की एंड तक सारी एग्जीक्यूट हो गई, अब ये सारी हो गई है, अब हम क्या करेंगे, अब जे को हमने अपडेट, अब जब दूसरी इटरेशन पे लूप आया तो आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, यहाँ से आई कट के आई कहाँ पे आ जाएगा 1, और जे क्या हो जाएगा आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है इस टाइम 1 है और 1 प्लस 1, जे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है, क्या चेक करेगा, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जो 1 पे वैल्यू है वो 2 है, प्लस नम्स ऑफ जे, जे की वैल्यू हमारे पास इंडेक्स क्या है 2, नम्स ऑफ जो 2 पे इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो क्या है, ये 0, ये 1, ये 4 है, तो नम्स ऑफ जे की जो हमारे पास वैल्यू बन रही है 4 बन रही है, नम्स ऑफ आई की जो वैल्यू बन रही है, आई इस टाइम हमारे पास 1 है, तो वो नम्स ऑफ 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 2, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, और टारगेट की वैल्यू क्या है 6, 6 इक्वल इक्वल टू टारगेट की वैल्यू 6 है, ये हमारे पास कंडीशन 2 होगी, और आई इंडेक्स रिटर्न करेगा, आई का इंडेक्स क्या है, आई कहाँ पे पड़ा हुआ है 1 पे, और जे का इंडेक्स सिस्टम क्या चल रहा है 2, 1 और 2 रिटर्न करते हैं। मैम, जो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें जब टारगेट मिल जाएगा तो फिर नेक्स्ट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आइटरेशन नहीं होती? नहीं, जब भी आप कोई यह एक फंक्शन आता है, जब भी आप फंक्शन कॉलिंग करवाते हैं जहां से वैल्यू रिटर्न हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू नहीं एग्जीक्यूट होती, वो फंक्शन से रिटर्न होके बाहर आ जाता है पूरे फंक्शन से, वहां जी, से तो इसका कंडीशन सेकंड कार्ड जी कैसे होगा, जी कार्डिस में जी, जो सेकंड एग्जाम्पल वो काइंडली रिपीट कीजिएगा, वो कैसे आल्ट्रेशन होगी जब 3 और 2 प्लस इक्वल नहीं होते, 0 और 1 जो इनके ना इंडेक्सेज हैं, फिर कैसे आल्ट्रेशन करेंगे नेक्स्ट पे? जीरो, अच्छा हम जब पहले इंडेक्स पे आए ना हमारे पास आई की वैल्यू 0 इंडेक्स पे, अभी हम इसको दोबारा देखते हैं 0, अब जब हम दोबारा आए ना जे की वैल्यू हमारे पास आई प्लस 1 होती है, 0 प्लस 1 क्या हो गया आई, जे जो था ना हमारे पास, हम मैं इसको रेस कर देती हूँ फिर आपको समझ आएगा, अब हमारे पास जो था ना आई की जो वैल्यू थी वो 0 थी, ये आई 0 था, अब जब दोबारा ये जे पे आया आई प्लस 1, 0 प्लस 1, जे की वैल्यू क्या होगी 1,
ये आई हमारे पास होगा, ये हमारे पास जे होगा। अब क्या करेगा, जे की वैल्यू से स्टार्ट किया, आप देखिएगा नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या 0, नम्स ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 3, प्लस नम्स ऑफ जे क्या है 1 है, तो नम्स ऑफ 1 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2, 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है, और टारगेट हमारे पास क्या है 6। ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है ना, इक्वल इक्वल मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, अगर इसकी भी सेम है तो इसकी भी इक्वल का ऑपरेशन, डबल इक्वल का ऑपरेशन ये काम करता है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये रिटर्न में आई गई नहीं, जब कंडीशन फॉल्स हो गई यहीं से भाई जाके और तो आगे कोई इटरेशन है ही नहीं, तो जे का लूप एक नेक्स्ट चला जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो, जे की वैल्यू क्या आती है 1, जे का लूप यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन, आई प्लस 1 क्या हो जाएगा जे प्लस 1, आई प्लस 1 हमारे पास क्या था, इसकी जो आई प्लस की वैल्यू बनी थी वो क्या बनी थी 1, 0 प्लस 1 हुआ था ना, आई की वैल्यू 0 थी, और जब यहाँ पे आया 0 प्लस 1 1 बन गया, तो अब हमारा जे यहाँ पे इसमें 1 में प्लस 1 होगा तो 2 पे चला जाएगा, 2 पे जब गया तो जे अभी तक इसी लूप के अंदर है, जब तक ये पूरा लूप फॉल्स हो जाएगा तब आउटर पे दोबारा आएगा, और आउटर अभी तक हमारा आई जस्ट यहाँ पे खड़ा हो। अब जब इसके सम हो गया, अब जे की वैल्यू 2 होगी, क्या अच्छा करेगा, आई की वैल्यू सेम ही रहेगी जब तक ये इनर लूप चल रहा रहेगा 3, और नम्स ऑफ जे की वैल्यू क्या होगी 4, 3 प्लस 4, क्या ये 7 की इक्वल है, क्या ये टारगेट इक्वल है, टारगेट की वैल्यू 6 है, नहीं ये गलत होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, दोबारा अंदर नहीं आएगा, अब दोबारा जे को इंक्रीमेंट करके 2 प्लस 1, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, जब देखिएगा रेंज हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ नम्स की 3 है, और ये रेंज से लेस देन, जे की वैल्यू जो होनी चाहिए रेंज से लेस देन होनी चाहिए, अच्छा 3 2 से बड़ा हो जाएगा तो ये कंडीशन पास हो जाएगी, इस लूप से निकल के बाहर वापस इस आई वाले पे आ जाएगा, अब आई की आइटरेशन जे की सारी आइटरेशन एंड तक मूव होगी, अब हम जे वाली वैल्यू को हम डिलीट कर देते हैं, इसी तरह ये दोबारा आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 पे मूव आ जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ 1 पे आ जाएगी, और जे को जब चेक करेगा 1 प्लस 1 2 होगा तो 2 प्लस 4 ये आंसर आ जाएगा। तो हमने सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करने होते हैं, और हम अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हमारे पास जो टाइम चल रहा है यहाँ पे ओ ऑफ एन लेगा, एन टाइम जितनी भी नम्स की लेंथ होगी, ये भी ओ ऑफ एन टाइम चलेगा लेंथ के एन तक, मतलब मीन्स थोड़ा सा प्रीवियस वैल्यू ही लेगा लेकिन हम इसको ओ ऑफ एन कंसिडर करेंगे, और ये जो कंडीशन है ये जस्ट 1 टाइम चलेगी तो ये कॉन्स्टेंट होगी, जस्ट 1 टाइम होगी, तो कॉन्स्टेंट हमारा इतना फर्क नहीं पड़ता, ये भी जस्ट 1 टाइम ही लास्ट पे आके रिटर्न करेगा, तो ओ ऑफ एन इसकी भी हमारे पास ओ ऑफ एन होगी। मैम, ये जो 6 लाइन पे हमारे पास है नम्स आई प्लस नम्स जे, ये तो हर बार चेक नहीं होगा? कौन सा नंबर हर बार चेक होगा, ये 6 लाइन जो है ये तो हर बार चेक होगी, उसके बाद अगर ट्रू होगी तो रिटर्न वाली वैल्यू लाइन जो है वो एक दफा चलेगी, वरना तो हमारे पास इस वाली कंडीशन हर बार नहीं चलेगी ऐसे तो। वैसे मेरे दिल आइडिया है, क्वेश्चन है। रही हूँ कि ये हर बार चेक होगा, हाँ जी, देखिए ना, वो हर बार चेक होता है तो उसे पता चलता है कि वो टारगेट इक्वल नहीं है, जैसे उसे पता चलता है कि वो इक्वल है वो रिटर्न कर देता है। हर बार तो ये चेक तो हो रहा है, लेकिन इसकी अब हाँ एक अगर हम स्टेटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी लें जस्ट ओवर 1, चेक तो हो रहा है अच्छा, लेकिन आप लूप देखें जब तक इंडेंट पे होता है ना, जब तक कि इस लूप को पूरा आइट्रेट नहीं कर लेता एंड टाइम तक की बाहर नहीं जाएगा, और सेम यही काम होगा, लेकिन ये तो जस्ट सिंपल है, 1 टाइम जस्ट कंडीशन चेक करेगा, और एंड टाइम ठीक तो ये है। कंडीशन तो नहीं चलती ना, अगर हमने कोई ऐसा लूप लगाया होता जैसे लूप की टाइप्स दबाई और वो बार बार चेक कर रहा होता एंड टाइम कंडीशन, तो हम फिर इसको ऑफ वन एंड कंसीडर करते हैं। अच्छा ऑफ एन इनटू ऑफ एन जो होता है वो एन स्केयर हो जाता है, तो हमारे पास एन इनटू एन जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन स्केयर, और स्पेस हम यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करें, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर एरे नहीं, तो हमारे पास स्पेस कुछ हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। अच्छा यहाँ तक हमारा सिलेबस का टाइम मैम, एंड हो गया, मैम कुछ कहा है आपने, क्लास का टाइम ओवर हो गया। जी मैम आप एंड कर दें, हम पार्समेंट का अगर क्वेश्चन हुआ तो कल हम ले लेंगे, आप क्लास एंड कर दें। ओके।